ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ, ਤੋ ਯੇ ਹਮਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਦੂਸਰਾ ਮੀਟ ਸਟੋਰ ਹੈ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾ ਪਹਿਲਾ ਮੀਟ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਮੀਟ ਸਟੋਰ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਓਮੀ ਕਾ ਜੋ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਐਵਰੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਵੋ ਹਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਪਹੁੰਚਵਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਨਿਊ ਰਿਟੇਲ ਕਾ ਇੱਕ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂ ਪੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹਮਾਰੇ ਮੀ ਫੈਨਸ ਕੋ ਦੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਏ, ਉਸਕੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਂ ਯੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਦੋ ਬਤਾਏ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਾਂ ਪੇ ਪਹਿਲਾ? ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਹਮਾਰਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਮੇਂ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਜ ਹਮ ਪਟਿਆਲਾ ਮੇਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਜੈਸੇ ਔਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਕੈਸੇ ਪਛਾੜੇਗੀ ਐਮ ਆਈ? हम लोग किसी को पछाड़ने के लिए की तैयारी या कोशिश में नहीं रहते। हम लोग अपने आप को किस तरह अच्छा कर सकते हैं वो देखते हैं। अच्छी बात है कि पिछले 7 क्वार्टर से शाओमी इंडिया का नंबर 1 मोबाइल स्मार्टफोन कंपनी है और स्मार्ट टीवी में भी हम अब नंबर 1 हो चुके हैं। मी बैंड में हम नंबर 1 रह चुके हैं और पावर बैंक्स में हम नंबर 1 हैं। सो कोशिश ये है कि हम अच्छा करते रहें, पोजीशंस आती रहेंगी। सर, इसमें पटियाला में सर्विस सेंटर भी आप ब्लॉक करवा रहे हैं? हाँ जी, हमारे यहाँ पे सर्विस सेंटर्स हैं और दो सर्विस सेंटर्स हैं, प्लस आज की तारीख में हमारे पूरे देश में 1000 से ऊपर सर्विस सेंटर है जहाँ पे हम हमारे मी फैंस का ख्याल रखते हैं। फोन में किस तरह के खास फीचर जो है लॉन्च प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं? हमारे जितने भी फ़ोन हम लॉन्च करते हैं वो 3 फिलॉसफी पे होती हैं। हाईएस्ट स्पेक्स होने ज़रूरी हैं, उसकी बेस्ट ऑफ क्वालिटी होनी ज़रूरी है और ऑनेस्ट प्राइसिंग होनी ज़रूरी है। इसके साथ में ही हम कोई सा भी प्रोडक्ट बनाते हैं, ये 3 चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। इस साल के प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने 48 मेगापिक्सल के 2 फ़ोन लॉन्च कर दिए हैं और ये पूरे ग्लास बैक के साथ में है, जो गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में है। आईपी कोटिंग इसके ऊपर है, तो बहुत ही एडवांस फोन्स हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे इसको हम लॉन्च किए हुए हैं। और जैसे आपने बताया कि एलईडी में भी आप लॉन्च कर रहे हैं, इसमें कोई खास फीचर्स होंगे और कंपनी? बिल्कुल, हमारे सारे टीवी स्मार्ट टीवी हैं जो वॉइस से ऑपरेट कर सकते हैं। ये दे आर ऑन पूरा एंड्रॉयड टीवीज हैं जो हमारे हम बेचते हैं। और कंपनियों के मुकाबले इसका प्राइस कैसे रहेगा? सारे ही टीवी हुए या कोई से भी प्रोडक्ट हुए, हमारी फिलॉसफी हमेशा ऑनेस्ट प्राइसिंग की होती है और जब हम ऑनेस्ट प्राइसिंग देते हैं डेफिनेटली कंपटीशन से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्राइसिंग में रहते हैं। जो अगर आप पावर बैंक ले लो या सिक्योरिटी कैमरा ले लो या टीवी ले लो, मोबाइल ले लो, कोई सा भी प्रोडक्ट आप शाओमी का अगर आप देखोगे, प्राइसिंग उसकी हमेशा बहुत एग्रेसिव और ऑनेस्ट रहेगी।